एसआई द्वारा अभद्रता के मामले को लेकर चल रहे वकीलों की पेंडाउन हड़ताल आखिरकार टूट गई। आज दोपहर में वकीलों से वार्ता के लिए डीएसपी आरपी शर्मा और सीआई संदीप शर्मा कोर्ट परिसर में वकीलों के धरना स्थल पर पहुंचे। इस दौरान डीएसपी शर्मा ने वकीलों के सामने प्रस्ताव रखा कि वह एसआई सुनील को छुट्टी पर भेज देंगे और उसके साथ आगे आने वाली ट्रांसफर लिस्ट में उसका नाम अन्य स्थान पर स्थानांतरण हो जाएगा, लेकिन सभी वकील इस पर सहमत नहीं हुए और निलंबन की मांग पर अड़े रहे। बाद में डीएसपी ने एसआई सुनील को एसपी ऑफिस भेजने का प्रस्ताव रखा गया, जिस पर समी ने सहमति जता दी। सहमति बनने के बाद पुलिस अधिकारियों ने वकीलों का मुंह मीठा कराकर हड़ताल खत्म करवाई। चिड़ावा बार एसोसिएशन अध्यक्ष खादिम हुसैन ने कल से काम पर लौटने का ऐलान किया। झुंझुनू राजस्थान से संजय सोनी की रिपोर्ट। देखते रहिए आपका अपना यूट्यूब चैनल आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक। केस वरिष्ठ अधिवक्ता श्री नैन कमल जी के साथ जो पुलिस का दुर्व्यवहार हुआ था, वो सीओ साहब चिड़ावा और एसएचओ चिड़ावा की मध्यस्थता से सौहार्दपूर्ण वातावरण में आज वार्ता हुई और आपसी सहमति से इस आंदोलन को समाप्त करने का निर्णय हुआ और वकीलों को सम्मानजनक व्यवहार आगे से मिलेगा, इसके लिए सीओ साहब ने वकीलों को आश्वस्त किया। हम उससे सहमत हैं और हमारा कार्य स्थगन जो है उसको वापिस लेते हैं, कल से नियमित न्यायिक कार्य। क्या समाधान निकाला आज बार एसोसिएशन और हमारी पुलिस की तरफ से मैं सीओ और एसएचओ के द्वारा यहाँ आपस में बैठ करके एक सर्वमान्य समझौते पर हमारी सहमति हुई है, जिसमें जो संबंधित पुलिस अधिकारी सब इंस्पेक्टर है उसको आज से पुलिस अधीक्षक कार्यालय झुंझुनू में रिपोर्ट करने के लिए भेजा जाएगा। उसके उपरांत जैसा भी पुलिस अधीक्षक महोदय उचित समझेंगे वहां उसे कार्य के लिए दिया जाएगा।